तो so, अब मेरा डिग्री टू द राइट है आप कितने डिग्रीज रखते हो मतलब मैं तो कैलकुलेट भी करता हूँ अपने पॉडकास्ट के लिए By मतलब यू आर वेरी ऐसे कैलकुलेटेड uh, यार इस मामले में मैं इतना कैलकुलेट नहीं करता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पता है कैमरा मैंने अभी कैमरा यहाँ भी इस साइड क्यों रखा हुआ है वो इस तरह रखा हुआ है बिकॉज अभी दिस कैमरा इज नॉट एबल टू तो कैप्चर ये जो पीछे डब्बे पड़े हुए हैं दैट इज इज द ओनली रीजन कैमरा ऑन लेफ्ट नहीं तो कैमरा मैं यहाँ रखता हूँ बस मेरा पूरा ऐसे रूम आता है बैकग्राउंड में तो वैसा सीन होता है

तो so, मेरा गोल होता है कि कॉन्वर्सेशन है तो ऐसा लगे कि आप हल्का सा टेन ट्वेंटी डिग्री तो लगता है कि आप दोनों को फेस करें बट ये तो पॉडकास्ट हाँ. के लिए हो गया ना बट इन योर अदर वीडियोज आल्सो। आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट यू आर एज मेटिकुलस एज यू आर राइट हेयर

या फिर मेरे सामने कोई और देश का इंसान होता था तो मेरी बोलने वाली भाषा बिल्कुल अलग निकलती थी लाइक द द इंग्लिश आई टू टू स्पीक देन एक्सेंट बी डिफरेंट ऑटोमेटिकली मैं चाहता भी नहीं था कि वो अलग से निकली और वैसे ऐसे ही निकलता था विद विद यू यू और डज हैपन या इट ऑल द टाइम मतलब जैसे कि मैं अगर किसी इंडियन के साथ बात कर रहा हूँ मैं कैमरा के सामने बात करता हूँ आई ट्राई टू बी नेचुरल और जब मैं मतलब अपने अपने मैनेजर्स के साथ जो अमेरिकन उनके साथ बात करता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट आता है पर एट एट द सेम टाइम यू नो आप

जब उनको कोई ऐसा इंसान मिलता जो विदेश में रह, रह रहा है इतने टाइम से पढ़ रहा है काम कर रहा है एंड दे यूजअली फैंटिसाइज दैट लाइफ लाइक मेरे साथ भी जब okay. क्या हुआ था जब मैं बाहर गया था तो मैंने सोचा था कि ऐसी लाइफ होगी ये होगा वो होगा बट छह महीने बाहर रहने के बाद रिलाइज हो गया कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स दैट यू हैव टू फेस ओवर देयर सो गिव मी अ लिटिल क्विक कॉन्टेक्ट ऑन वाई यू आर इन दू एस वट यू आर डूइंग वट हैव यू डन श्योर सो आई केम एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मतलब जय uh, क्रैक .E. नहीं हुआ जेई .E. से जो हर बच्चा इलेवेंग टू आकाश इंस्टीट्यूट जई की तैयारी कर रहा था very focused. Where, where are you from Amritsar Amritsar oh Akash Amritsar mein में भी है मुझे भी hai है hmm. मेरे दोस्त जाता था mein में मैं तो wala वाला हूँ मेरे पास class ke के se science नहीं है तो मैं तो उनको देख के बड़ा ऐसे वो होता था एम्पथाइज uh, करने की कोशिश करता था कि यार तुम्हें मतलब स्कूल के बाद 6 तो घंटे पढ़ने भी जाना है तो गुड लक हाँ या तो अमृतसर से शुरुआत हुई मतलब आप जहां से आप दिल्ली से ना राइट मेरठ से क्लोज या सो so दिल्ली जाना रहता था मेरा सिर्फ और सिर्फ इस कारण की मैं देखता था कि टेंथ में कि में जेई की अगर मुझे तैयारी करनी है तो दिल्ली में शायद बेटर हो सकती है लाइक जैसे like तो तो या कई लोगों के लिए कोटा होता है तो मुझे पता था कि दिल्ली चंडीगढ़ हमारे लिए बेस्ट होता था तो टेंथ में तो यही गोल था कि जेई बेस्ट कोचिंग लेनी है अमृतसर में अच्छी कोचिंग मिल गई स्कॉलरशिप मिल गई एंड आई जेई एस्पिरेंट पर हमारा स्कूल मैं पंजाब से हूँ पंजाब से एवरी अदरसन स्कूल इन पटियाला ठीक है थापड़ यूनिवर्सिटी में गया था मैं एंड वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप आखिर एक की नोट सेशन करो मैं गया किनोट से बहुत बढ़िया हुआ बट मैं दिल्ली से ड्राइव करके गया ठीक है एंड द मोस्ट माइंड ब्लोइंग मोमेंट फॉर मी वॉज कि मैं दिल्ली में जा रहा हूँ मेरे को बिल दिख रहे हैं ढाबे के उसके एड्स के मैं हरियाणा में चल रहा हूँ मेरे को बिल बोर्ड दिख रहे हैं ऐसी अच्छे। मैं जैसे ही पटियाला में एंटर हुआ हूँ मेरे को लाइन से बिल बोर्ड दिखे आनेडा जाओ दो एनेडा जाओ एल्स दो कैनेडा जाओ एंड इट वॉज सच अ कल्चरल शॉक फॉर मी कि यार मैं 500 किलोमीटर दूर रहता हूँ और ये 500 किलोमीटर दूर हो रहा है तो मेरे लिए तो कल्चरल शॉक था हाँ जी सॉरी कंटिन्यू आई मीन या मेरे लिए यही कल्चर था क्योंकि मैं पंजाब से अलावा कहीं रहा ही नहीं अगर अगर मैं 18 के, 18 के अराउंड द द एज ऑफ आई गेम टू यूएस तो अपने 18 अच्छा साल ही पंजाब में रहा हूँ तो मेरे लिए दिल्ली भी मैं अगर मैं तो सिर्फ इसलिए मुझे यूएस वीजा लगवाना था और मुझे अपना एग्जाम देना था फॉर एसीटी एस जो होता है ना ब्रॉड तो वो पंजाब में था नहीं तो मुझे एसीटी के लिए दिल्ली जाना पड़ा था दैट्स द ओनली रीजन मैं पंजाब छोड़ के गया हूं अपने फर्स्ट 18 इयर्स उसके अलावा कभी नहीं छोड़ा तो या सो so हमारे स्कूल में लाइक like, ट्वेल्थ में जब आप जाते हो तो हमारे स्कूल में करियर सेशंस होते से हमारे स्कूल में बाहर से, से हमने बुलाया ना आप आपको टूर के लिए बुलाया गया था हमारे स्कूल में भी कनाडा यूएस यूनिवर्सिटीज आती है अपनी एडवरटाइजमेंट करने तो ये, ये पंजाब में हो रहा है ये मुझे नहीं लगता और कहीं हो रहा है देखो आ, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज पॉपुलेशन वाइज जो बाहर जाते हैं वो होता है सबसे ज्यादा तेलंगाना में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में कंबाइंड ले ले लो लो या फिर लो, और पंजाब में दोनों में इक्वल होता है परसेंटेज वाइज वाइज हालांकि पॉपुलेशन लंडन में इन फैक्ट आई वाज इन मैनचेस्टर आल्सो फॉर अ वाइल एक दो हफ्ते घूमने के लिए वहां पर जितने मेरे को इंडियन स्टूडेंट्स मिले इधर फ्रॉम माई सर्कल इन डेली

वो आइडिया सिर्फ कैनेडा या बाहर का होता है इमेजिन करो कि घर में तीन तीन लोग हैं राइट right? hmm. अगर तीन लोग में से अगर एक बंदा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है अगर वो कैनेडा में है तो वो बाकी दो लोग भी सोचेंगे कि, कि मेरे लिए बेस्ट फ्यूचर जो है वो कैनेडा में हो सकता है राइट right? hmm. तो वैसे ही मेरे हर स्टूडेंट के मन में ऐसे ही आता है कि यार मुझे सक्सेसफुल होना है मुझे मतलब आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई पेरेंट्स तो मुझे कुछ बड़ा करना है तो मैं बाहर ही जा सकता हूँ यही ऑप्शन है सेम फॉर तेलंगाना हर जगह जैसे Uh, assumption or that uh, preconceived notion is as true as you thought it was back there i mean i think it's absolutely true mm. usd uh, like <laughs> <laughs> Yeah mira experience was different uh, and it might be different i mean you also were in the us during the pandemic right or did you come back here for a while i mean i think i, I i'll i be honest i stayed here kyuki, uh at the time like आई वॉज डूंग ऑनलाइन स्कूल है मैं टाइम डिफरेंस है जुड़ना नहीं चाहता okay. था एंड एट दिल्ली माई अंकल तो मैं यहीं पर आता सो माई माई एक्सपीरियंस प्री कोविड और माई अजम्शन प्री कोविड वॉज एक्जैक्टली सेम की बाहर जाओ बाहर पैसा ज्यादा मिलता है लाइफ स्टाइल अच्छा है सब अच्छा है सब बढ़िया है बट जब तक वो कोविड नहीं हुआ था तब तक वो बहुत बढ़िया था बिकॉज जैसे ही आई वॉज इन इट वॉज मार्च ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी द फर्स्ट वेव वॉज हैपनिंग एंड किसी को नहीं पता लॉकडाउन कितना लंबा लगेगा एंड मार्च अप्रैल मे जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेम्बर छः सात महीने मैं उधर अपने डॉम में एक छोटा सा डॉम जितना बड़ा एक कमरा है इसका भी वन थर्ड कमरा था वो मैं बस वहाँ पड़ा हुआ था छः महीने एंड उन छः महीने में जितना मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया है

आपको कई पंजाबी कई इंडियंस दिख जाएंगे जो दस दस साल बाद नहीं जाते वो कहावत भी है पंजाब में एक बार जो पंजाबी बाहर चला गया वो वापस नहीं आता आई लव माई कंट्री मुझे हर साल विजिट करना अच्छा लगता है चाहे मेरा वीजा एक्सपायर भी हो जाए मुझे मेरे इमिग्रेशन लॉयर ने बोला था जब मेरा स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो गया था कि मत जा क्या पता रिन्यू ना हो मैंने कहा मैं जाऊंगा रिन्यू नहीं होता ठीक है कोई बात नहीं मैंने वीडियो भी बनाई रिन्यूअल की अपना पासपोर्ट सबमिट करते हुए दिखाई आई वाज ऑल शेकी पर

कोई भी आप कंट्री देख लो वहां का वहां के लोग यहाँ पर यूके में भी होंगे आप जहाँ गए थे yeah, yeah. तो आई 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 थिंक इंडिया में एटलीस्ट एक्सपीरियंस वाइज यूएस में आना यू गेट टू लर्न की हाउ द वर्ल्ड वर्क्स आप एक दूसरे से सीख पाते हो वो चीजें जो आप सिर्फ इंडियन से नहीं सीख सकते आई थिंक दैट इज वेयर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट व्हिच इज व्हेन यू स्टे हियर मैं तो मतलब व्हेन आई स्पीक टू द पीपल दैट फॉलो मी वी दंगर स्टूडेंट्स और द किड्स स्कूल एंड कॉलेजेस तो उनका वो तो ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हें जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना है तो तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा मतलब अपना शहर अपना गांव छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ाई करो काम करो वगैरह अ बेटर और अ मोर एक्सट्रीम वर्जन ऑफ इट कि तुम देश छोड़ के किसी और देश में जाओ जहाँ पे तुम और तरीके के लोगों से मल्टी कल्चरलिज्म में एक्सपीरियंस uh, कर सकते हो अलग पढ़ने को मिलता है वगैरह वगैरह सो दैट इज वे एब्सोटी राइट वी वॉन्ट टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल एंडिविजुअल इज नथिंग बेटर गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री एंड स्टार्टिंगली जैसे कि अगर मैं पंजाब ना छोड़ा होता तो मुझे तो यही लगता ना कि

ऊपर <laughs> से यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ठीक थी आई बी ऑनेस्ट कुछ लोग कहते हैं कि यूएस महंगा कनाडा से पर आई बी ऑनेस्ट मोस्ट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स आर इन यूएस तो जितनी भी मैंने अपनी एजुकेशन पूरी डिग्री की चार साल की दैट इज इन सम केसेस कुछ कैनेडियन यूनिवर्सिटी से भी सस्ती है Oh, that is very interesting. No, I remember a friend of mine also went to do his MBA in the US, and I think he also got a great scholarship. एक ग्रेट स्कॉलरशिप उसका 70 परसेंट कॉलेज फीस माफ हो गया था बिकॉज़ उसका जीमैट का स्कोर बहुत ही लाजवाब था तो वो तो होता है दैट इज वेयर आई एग्री विद बट यू केम टू स्टडी व्हाट कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस सीएस एंड नाउ यू आर वर्किंग इन आई एम अज्यूमिंग यू आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स बिकॉज़ लास्ट टाइम द पर्सन फ्रॉम योर टीम मेंशन किया यार उसकी एक जॉब है भी, एक जॉब दूसरी है तो मैंने कहा ठीक है अगली बार बात करके पूछूंगा मैं अब व्हाट इज द वो जॉब वाला एस्पेक्ट नहीं व्हाट इज योर डे लाइक दीस डेज इधर उधर डे लाइक दीज डेज तो अभी लाइक आई वर्क एट लाइक वर्क एजफ्ट इंजीनियर डेवलपर तो रोज मीटिंग्स होती हैं लाइक लेट दीज डेज बिकॉज माय टीम इज इन कैलिफोर्निया तो टाइम डिफरेंस के कारण वो थोड़ा सा पीछे है मेरे न्यूयॉर्क टाइम टाइम्स से सो लाइक इट स्टार्ट अराउंड इलेवन एम एम मीटिंग्स होती है इट गोज लेट लाइक सेवन पी तक चले जाता है and in terms of morning like when i don't have meetings i like to you know uh, work on youtube videos like obviously i I like to do youtube and those eight hours are assigned to my like full-time job and i'm free to do anything i also have a course online to my कोर्स में लाइव सेशंस बच्चों को पढ़ाता हूँ वो हर वक्त चलता है एंड आई लाइक टू टीच मोर तो मुझे लगता है कि जो सीख रहा हूँ वो सिखाने में मजा आता है ऑल्सो आई एम नॉट लाइक यूजिंग कंपनीज़ रिसोर्सेज मैं इंडिपेंडेंटली जो सालों से कर रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ एंड अदर देन दैट लाइक ये तीन चीजें हैं बस ये थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रेस ज्यादा <laughs> बढ़ा देती है बस स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा देती है

मतलब देर आर एक्चुअली टू टू बी कोर्स और नहीं है तो अगर दूसरा चल रहा हो तो दूसरे के लिए लाइव क्लास ये दूसरा खत्म हो गया है तो ये ये मेन कोर्स है तो इसमें लाइव क्लास कुछ कैड्यूल कर लेता हूँ तो गो वो गो हैंड इन हैंड पर रिकॉर्डेड डाले हुए हैं दोनों जगह लाइक ऐसा नहीं है पढ़ाने में Absolutely. Like, actually, वो कहते हैं ना मैंने बचपन में सीखा था संदीप महेश्वरी जी से टू टीचर्स टू लर्न तो यही चीज मुझे मुझे फील होता है

आप आपको यही बता देता हूँ कि लाइक हर 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 घर में शर्मा जी का बच्चा होता है जिससे कंपैरिजन होता है कि इसके मार्क्स ज्यादा आ रहे तेरे क्यों मैं नहीं आ रहे वो शर्मा जी का बच्चा मेरे घर वालों ने कभी किसी से कंपैरिजन करने नहीं दिया ना मेरे को करवाया है तो आई विल बी आई आई एम बीन वेरी डिटैच्ड फ्रॉम दिस होल सिनेरियो लाइक आई विल गिव यू माय एग्जांपल माय आई वांटेड टू लीव साइंस इन क्लास नाइन्थ बिकॉज अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर गोइंग इन टू कॉमर्स इन क्लास नाइन्थ मेरे पेरेंट्स ने मेरे को तब भी मना नहीं किया तो उसके बाद वो क्या ही मना करते हैं उसके बाद तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट Uh, and it has led me to a very different path of life than a lot of other Indian students let's say so I'm grateful for that but it's always fascinating to me to hear these stories yeah, हाँ जी तो 90 जो is... parents career के पीछे पढ़ रहे थे then very interesting because मेरे parents तो यार parent teacher meeting में भी जाके कहते थे कि चलो हनुर के अगर 95 आ गए हैं बताओ highest कितने हैं <laughs> तो ताकि ताकि मुझे सुनने को मिले कि वो देख हमारे रिश्ते में ये लड़का है इसके तेरे से दो नंबर ज्यादा है ये कैसे हुआ उससे सीख hmm. जाके चाहे कितना भी ज्यादा बेटर ना कर लूँ कंपैरिजन तो होता ही रहा है यार आई 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 थिंक विल विल बी बी थोड़ा साइको एनालिटिकल इन दिस सेंस इसमें ना गलती पेरेंट्स की भी नहीं है पता है उनको भी लाइक द दैट एनवाट देव ग्रोन टू अ स्टेज वेयर दे कैन रेज देयर ओन किड्स हैज बीन सो सो चैलेंजिंग कॉम्पिटिटिव कि उनको तो पता है कि अगर हम सबसे अच्छा नहीं करेंगे हम आगे नहीं होंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे

अब हमारे लिए ये दो चीजें नहीं हमारे लिए मिलियंस ऑफ हजार चीजें हैं यार दो हजार चीजें एटलीस्ट बट आई कैन एम्पथाइज विद दोस पेरेंट्स बट आई स्टिल एम्पथाइज विद यू मोर कि यार नाइन्थ क्लास में संदीप महेश्वरी देखना पड़ रहा है तो मोटिवेशन की जरूरत तो है हाँ गो गो है सो सॉरी फॉर इंटरेक्टिंग बताओ yeah. तो uh -huh.

ऐसे मज़े में पढ़ा नहीं और काफी चीज़ें मैं सीख भी नहीं पाया नाइन्थ तक दैट इज सो इंटरेस्टिंग जब तुमने बोला ना कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ आई डों लॉट ऑफ पीपल कम टू दैट स्टेज एवर कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ लाइक like, मेरे को आज तक पूछते हैं लोग कि आई एम करंटली डूइंग है साइकोलॉजी डिग्री एंड वो डिग्री मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को साइकोलॉजी पढ़नी है मेरे को मजा आता है पढ़ने में सो वेन एवर आई मीट अ न्यू पर्सन और आई कि यार अभी अभी लास्ट मंथ मैंने एग्जाम्स दिए हैं तो उनका तो सीधा सवाल यही होता है कि क्यों अभी तुम्हारा हो तो क्या पढ़ाई कम्प्लीट अंडर ग्रेड कर लिया और क्यों पढ़ना है एंड इट इज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन टू देम कि यार पढ़ाई इज नॉट जस्ट विद द इंटेंशन ऑफ कि नहीं यार पढ़ाई करेंगे तो अच्छी जॉब लगेगी स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग इज ऑल्सो अ ग्रेट फीलिंग ये तो मैं मानता हूँ मतलब

अभी? Uh, I, I do not actually. मतलब मुझे लगता था कि जो मुझे पढ़ना है मैं पढ़ चुका है कि एम बी ए भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता नहीं है आई थिंक आजकल कोई भी डिग्री मुझे लगता नहीं अवेलेबल क्योंकि हर चीज ऑनलाइन सीख सकते हो हर चीज हर तरह की चीज हर तरह का स्किल ऑनलाइन फर्क ये होता है कि आप कॉन्सर्ट जाते घर right? में hmm. hmm. सेम कॉन्सर्ट में जाने का थोड़ा सा है, हो, और, and, और तो कुछ है। right का hmm. तो आपको आज की तारीख में लिटरली फ्री में हर जगह मिल जाएगी जो किताबें वो आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो आप पायलट करके ऑनलाइन फ्री में पढ़ सकते हो द होल पॉइंट ऑफ गोइंग टू कॉलेज इन माई ओपिनियन इज फॉर द नेटवर्क यू मेक बिकॉज कॉलेज इज फ्रें ओनली प्लेस जहां पे लोग अपनी मर्जी से

करेक्ट तो यू डोंट इवन हैव अ नीड फॉर एन एमबीए राइट नाउ ये एमबीए वाला कल्चर इंडिया में ही है कि नहीं अंडर ग्रेड है उसके बाद तुरंत एमबीए करो उसके बाद बढ़िया पैकेज लगेगा एवरीवेयर अब्रॉड इन माय एक्सपीरियंस तो एमबीए लोग करते हैं जब उनको लगता है कि यार ठीक है अब दस पंद्रह साल हो गए नौकरी करते हुए अब करियर में अगर जंप चाहिए कुछ नया सीखना है अपने आपको री स्किल करना है अपस्किल करना है तो जाके एम करते हैं तो आई थिंक अभी तो ऐसा कुछ ज़रूरत भी नहीं लग रहा होगा फिर एम करने का

ट इज वेरी अर्ली कि हाँ ठीक है यार सीखने के इंटेंशन से काम करते हैं सिर्फ डिग्री लेने का तो फायदा है नहीं कुछ मैंने जब से देख लिया यहाँ पे कि डिग्री लेने के लिए लोग ऐसे मतलब बहुत सारे स्कैम्स भी हो जाते हैं अगर डिग्री ही चाहिए होती है तो डिग्री लेना तो इज वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड बिकॉज आई रिमेबर वैन आई डिस्कवर्ड यू फर्स्ट ना

वो बात ऐसे मन के अंदर चुप गई कि यार दुनिया में मतलब लाइफ में एक बार तो एक वर्ल्ड क्लास पढ़ाई करनी चाहिए उसके तो बाद अंडरग्राउंड खत्म हुआ फिर मैंने देखा कि अच्छा ठीक है बाहर कैसे जाते हैं यूएस कैसे जा सकते हैं तो यूएस का सपना तो तभी खत्म हो गया जब पता चला कि यूएस में आपको चार साल की डिग्री चाहिए होती है टू अ मास्टर्स और नॉट ट्रू फॉर एवरी केस नॉट ट्रू फॉर एवरी केस बट अगर मेरे को वहां पे जाना था किसी आईवी लीग में तो मेरे को चार साल की डिग्री चाहिए थी Uh, मेरा एस्पिरेशन वो नहीं था कि मेरे को अच्छी पढ़ाई करनी है उस टाइम पे मेरा एस्पिरेशन ये था कि मेरे को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है ताकि मैं बोल सकूँ कि हाँ मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है थैंकफुली तब मैं नहीं गया दो तीन साल मैंने जॉब किया थोड़ा पैसा सेव किया एंड उसके बाद आई थिंक मैन आई वेंट टू किंग्स जिस डिग्री को मैं करने गया एवन आई वेंट इन टू दैट बैच इट वॉज ओनली द थर्ड बैच ऑफ दैट डिग्री सेकेंड और थर्ड बैच ऑफ दैट होल डिसिप्लिन एंड फ्रैंकली वो मेरे लिए इतना परफेक्टली अलाइन हुआ बिकॉज मैंने अंडर ग्राइड करा लिटरेचर में और फिर मैंने काम करा डिजिटल में मार्केटिंग uh, में कॉन्टेंट प्रोडक्शन में एंड जो मेरी डिग्री थी वो थी डिजिटल ह्यूमैनिटीज में hmm. तो दो तीन साल वेट करने में कुछ तो फ़ायदा हुआ और उसके बाद फिर मैं गया एंड वेल दैट रिसर्च प्रोसेस ऑफ गोइंग ऑन कि यू में कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं कैनेडा में कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं यू में कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं इट वॉज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दट आई दे डिस्कवर्ड योर चैनल मैंने थोड़ा बहुत देखा मेरे को बढ़िया लगा फिर मैं बाहर चला गया फिर मैंने कहा हम भी कॉन्टेंट बनाएंगे बाहर जाके फिर मैंने बहुत कोशिश करी कि यू में ब्लॉग करते हैं चीज़ें बनाते हैं दो वीडियो बनाई उसके बाद मेरा तो हो गया बिकॉज मेरे इट वॉज वेरी

मैं बताता हूँ मैं व्लॉग्स बनाता हूँ पर्सनल लाइफ और इसके अलावा कुछ है नहीं मतलब मैं, मतलब मुझे लगता है व्लॉग्स हैज लिमिट और कितना ही मैं अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग कर लूंगा मतलब मैं एक नाइन टू फाइव जॉब वाला इंसान हूँ सुबह ऑफिस गया शाम को घर आ गया और इसमें क्या यूनिक कर सकता हूँ लाइक इफ आई एम लाइक अ पायलट और इफ आई एम लाइक रिसर्चर इफ आई एम पी एच डी स्टूडेंट जैसे हर कंट्री में जाके कॉन्फ्रेंसिस करनी होती है तो याद इज अक पराइफ पर मुझे लगा इज एन एंड टू माई पर्सनल लाइफ आई कैन शो एंड एट द एंड ऑफ द डे जब भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ शो करता था आई यूज टू थिंक दैट इट इज

बट अदर देट जो ब्लॉग्स होते हैं when I travel, and travel, मैं इतना कर नहीं पाता लाइक आई आई मीन आई कैन बट लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मेरे नानी आए हुए हैं तो लाइक आईन नानी वॉज इनयर इन दस तो मैं हर महीने एक ट्रिप कर लेता था hmm. कि यार चलो आज आई एम रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मेरी टीम तो मेरे साथ है नहीं मैं कहीं कही से भी काम करता हूँ बोला तो कभी मन किया न्यूयॉर्क से काम कर लेते हैं टेक्सिस से कर लेते हैं

दैट इज सो इंटरेस्टिंग आई मीन मेरे को रियलाइजेशन ये हुआ था जब मेरा लाइक माई ओल्डेस्ट फ्रेंड माई ओल्डेस्ट स्कूल फ्रेंड इज़ इन कैनेडा ठीक है वो ट्रोनो में रह रहा है एंड उसका ट्वेंटी फिफ्थ बर्थडे जब था तो मैंने उसको फ़ोन किया ठीक है यहाँ पर आई थिंक रात हो रही थी वहाँ कुछ सुबह वबह हो रही थी मैंने उसको फ़ोन किया एंड जो पहली चीज़ उसने फ़ोन उठाती बोली मेरे को उसने बोला कि यार पच्चीस के बाद ऐसा लग रहा है जीवन में ठहराव आ गया है एंड दैट थिंग स्टक विद मी जब मेरा दो तीन महीने बाद बर्थडे आया उसके तो मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया कि यार पच्चीस से पहले ऐसा लगता था कि लाइफ थोड़ी ऐसे चिल है रिलैक्सड है जो मर्जी करो जहाँ घूमना है घूमो जिससे झगड़ा करना है करो जो खाना है खाओ पोस्ट ट्वेंटी फाइव विट सीज लाइक कि ओके देर आर रिस्पॉन्सिटीज़ यू नीड टू टेक थिंग्स लो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू लेट गो और देर आ सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू इंबाइब मोर इन योर लाइफ स्टाइल तो ये सारी चीज़ें लगती हैं आई मीन आई एम ग्लैड तेरे को चौबीस पे हो गया नहीं तो मैं तेरे को ये बोलने वाला था कि पच्चीस के बाद ठहराव आएगा लाइफ में

एंड प्राइमरी रीज़न काफ़ी के लिए यह है कि यार हमें थोड़ा एक दो साल अपना वो कॉलेज वाला फ़ेज़ एक्सटेंड करना है तो दो साल एम में वो दो साल कॉलेज वाला फ़ेज़ एक्सटेंड हो जाएगा जब पता है कि ठीक है सत्ताईस सत्ता अट्ठाईस के बाद थोड़ा रिस्पॉसिबिलिटीज और आ जाएंगी तो तब का तब देखेंगे बट अभी करंटली उसको दो साल एक्सटेंड कर देते हैं तो कॉलेज इज़ अ फेज़ यार जहाँ पे तुम्हारे पास जिम्मेदारी नहीं होती हैं तुम जो मर्जी कर सकते हो द रिजेंट रेपरकॉशन कि अगर तुमने कुछ ऐसे टाइम पास का कर दिया तो तुम्हारा करियर पीछे हो जाएगा वगैरह वगैरह विच इज फेयर इट वर्क फॉर सम पीपल इट डज़ नॉट वर्क फॉर सम पीपल मेरे को तो लगता है कि मेरे को तो पढ़ाई तो चाहता हूँ यार एक बार और जाके बाहर पढ़ाई करना दो चार साल बट अभी करंटली नहीं और तीन चार साल बाद देखेंगे बट तब पता नहीं हो पाए नहीं हो पाए या इट इज़ एन एक्सपीरियंस लाइक मैं तो कहूँगा कि हर एक को कि मतलब गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन मतलब बाहर लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री छोड़ना वो तो

में दो हज़ार रुपये दो किलोमीटर के तो नहीं देने वाला फिर रात में मैं ऐसे छुपते छुपाते गलियों के अंदर से निकलते हुए इनके क्योंकि फोन भी बंद हो गया था तो <laughs> ऐसे दो किलोमीटर का नेविगेशन करना इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मी लिविंग देयर वो लर्निंग एक्सपीरियंस था कि यार इतना ट्रैवल इतना स्ट्रगल दिल्ली में नहीं आया पाँच साल में जितना ये दो महीने वो दो किलोमीटर की वॉक ने सिखा दिया तो इट्स ऑल द लिटिल थिंग्स मैं मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैं तो बचपन में ही मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट था क्योंकि लाइक I I was uh, I was in a family environment I was fostered by my grandmother hmm. so, आदत थी इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन खुद लेने खुद इंडिपेंडेंटली ट्रेवल किया तो, तो मुझे शायद वो रियलाइज नहीं हुआ कि हाँ यार वो भी आप सीखते हो पर हो रहा है वो <laughs>

आपको कैचअप करना होता है यू हैव टू टेक होती है तो या, तो या ट्राई करके करके देख एक एक बार एक हफ्ते रूम बंद करके, नहीं बाहर रहो तो अब इस नहीं शायद उसके बाद घर से नहीं लाइफ से <laughs> <laughs> नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज इट 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 ऑल्सो वेरी इट्स फीलिंग वेरी यू ऑल्सो लर्न अबाउट

sure I've lived in almost a month in California month in Texas month in uh, actually uh, 10 days in New York um uh, a week in Boston pura combine last ki ek baar mein. so combined yeah. so it's combined I have also lived in Florida for almost like a couple weeks I've lived in Nashville hmm. for a week maybe. नेशनल टेनिसी में ओडल्स और कौन सी मेजर स्टेट्स है आई थिंक दिज आर एड आई मीन इसके अलावा ज्यादा मेजर नहीं हो माइनर ही होंगी जब एंड हाउ इज आट गोइिंग देर इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल रियाक्ट टू यू पीपल इंटरक्ट विध यू बिकॉज फ्राम आउटसाइडर्स परसपेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यू मेरे नज़र में तो लोग दो ही जगह जाते हैं या तो लोग जाते हैं न्यूयॉर्क में पढ़ने ओझहर वाले एरिया में या फिर लोग जाते हैं वो तुम्हारा कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को वाले एरिया में सैन होजे वाले एरिया में उसके अलावा बीच का पूरा यूएस मेरे लिए ऐसे ब्लैंक है कि वहां पर लाइफ कैसी होती है लोग कैसे होते हैं वगैरह वगैरह बिल्कुल सही कहा आपने आ, इसके अलावा अगर एक और जगह है तो वो शिकागो है ये तीन मेजर हाँ शिकागो, like, शिकागो शिकागो ये तीन मेजर मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस इन दीज स्टेट्स और सिटीज और शिकागो में गया नहीं पर मैं इतना बता सकता हूं कि बहुत डिफरेंट कल्चर है कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क और सदरन तीनों डिफरेंट कल्चर है आप इन तीनों को डिफरेंट कंट्रीज भी कंसिडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड फूड कि जैसे कि लाइक इफ यू वांट टू नो अबाउट पीपल तो जैसे हर कोई कहता है कि ये न्यूयॉर्क में बहुत फास्ट पेस्ट है तो आप न्यूयॉर्क में लिटरली अगर ब्लॉक करो आपकी शायद कोई मुड़ के भी नहीं देखेगा Oho. आप हाँ आप कैलिफोर्निया में ब्लॉक करोगे तो शायद आपको कोई मुड़ के देखेगा और अगर आप uh, Florida, यहाँ पर, पे जॉर्जिया में जहां पे मैं हूँ वहां पे ब्लॉक करोगे तो शायद तीन चार लोग आपको देखेंगे जैसे इंडिया में देखते हैं तो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब्स

कोई भी तरह का आपको खाना चाहिए वो आपको मिल जाएगा सो लाइक यू क्वालिटी और कुछ चीजों में ये भी लिखा होता है so, like, तो लाइक घर पे बना रहे हैं नाइस हाँ, खाना भी आपको बाहर मिल रहा है तो इट इज नेक्स्ट लेवल वो चीज आपको आ, वो चीजें आपको न्यूयॉर्क में मुश्किल से मिलेंगी जॉर्जिया में मुश्किल से मिलेंगी जहां पे मैं हूँ तो लाइक एटलांटा में मुश्किल मिलेंगी शिकागो में भी मुश्किल से मिलेंगी तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडियंस को पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ Uh, जो इंडियंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंडियंस कहाँ उनकी तरह उनका कल्चर कहां पर है, right? Assuming, uh, cities, suburbs, मतलब, कह सकते हैं पर मैंने जितना देखा है कि hmm. यार, मतलब जहां पे ज्यादा इंडियंस होते हैं वो कम्युनिटी बन जाती है तो सबब्स आप सही कह सकते हो जैसे की न्यूजर्सी में आपने सुना होगा वहाँ पे इतनी ज्यादा बड़ी गुजराती कम्युनिटी है yeah. पंजाबी कम्युनिटी कि वहाँ पे पंजाब जो जहां पे पंजाबी ज्यादा है वहाँ पे पंजाब एवेन्यू स्ट्रीट बन गया है जहां पे गुजराती ज्यादा है वहां पे शायद गुजरात है, है यार ऐसा साउथ हॉल में है मतलब लंडन में प्रॉपर एक स्टेशन है जहा पे आ, स्टेशन का नाम पंजाबी पंजाबी में 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 लिखा 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 हुआ है वहाँ स्टेशन में, स्टेशन लिखा हुआ है 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 पे 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 स्टेशन स्टेशन का नाम मज़े सड़क पानी पूरी मिल रही है। तो इट इज फैसिनेटिंग ऑल्सो फ्रॉम एन इंडियन अरे बाहर आके भी अपने जैसे लोग मिल गए And it also pretty surprising कि हमारे लोगों ने यहाँ के भी अपना बना लिया इसको तो वो तो लगता ही है ये तो है और मैं भी यही कहूंगा कि आप यूएस की कोई भी स्टेट ले लो हर स्टेट में मुझे लगता है कल्चर मेंटेन्ड है हर स्टेट में होली सेलिब्रेट की जाती है हर स्टेट में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है आप जैसे आप कह रहे हो सबर्ब्स में हालांकि सबर्ब्स में कम्युनिटी बड़ी बन जाती है जैसे आप मेंशन कर ही दिया पर इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेशन वो हर जगह होती है बड़ी छोटी तो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा पर बड़ी बात यह है कि हर जगह सेलिब्रेट होती है ऐसा नहीं आपको लगेगा कि यार की आपको जो आप ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप अपना देश मिस कर रहे कि आपको अपने जैसे लोग अपने जैसा खाना वो मिल जाता है दैट इज ऑल्सो अ थिंग इन द यूएस कनाडा एंड कनाडा का भी एक आध्रॉनो साइड यह वैंकूवर में भी नहीं है मेरे ख्याल से इतना जहाँ पे इतना एक्सेसिबल है इंडियंस के लिए पहुँचना बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट गोइंग टू द दूसरा पार्ट ऑफ यूरोप आपका स्कैंडिनेविया हो गया वहाँ आई डोंट थिंक अ लॉर्ड ऑफ इंडियंस गो बिकॉज एक तो क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं है रहने के लिए थोड़ा ठंड ज़्यादा होता है एंड आई पर्टिकुलरली enjoy places जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। मुझे पसंद है भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहना करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली विच इज़ अ वेरी आरानिक स्टेटमेंट बट लाइक जैसे अभी मैं last year दो बार UK गया because एक बार मेरा graduation था तो ग्रेजुएशन के लिए मैं तीन चार दिन लंडन में था बाकी पूरे टाइम स्कॉटलैंड में था और अभी दूसरी बार जब मैं गया तो मैं ऑलमोस्ट पूरा टाइम स्कॉटलैंड में था सिर्फ एक दिन के लिए लंडन में था क्योंकि फ्लाइट वहाँ से थी तो आई एन्जॉय पर्टिकुलरली दोज काइंड ऑफ सिनारी ट्रैवल प्लेसेज जहाँ पर सुंदरता ज्यादा है और लोग कम है विच इज़ वेरी काउंटर इंट फ्रॉम इंडियंस आई हैव सीन अब्रॉड लिविंग इन तो उनको मेजरली ऐसे कम्युनिटी वाली चीज़ें पसंद है बट दैट माइट जस्ट बी मी विच इज़ एन आउटसाइडर इन दैट सेंस

जब भी गाड़ी लेके निकलो कि अगर दोबारा पकड़ी गई दोबारा फाइन होगा तो मैं उसको बेच रहा हूँ गेटिंग एन अदर कार तो उसी चक्कर में पिछले दो दिन से बैक एंड फोर्थ चल रहा था अभी उसका कॉल आया कि वो बारह से एक बजे करीब इंसान आएगा गाड़ी ले जाने तो उसने बोला कि जब तक आपको पैसे ना दे तब तक आप गाड़ी मत देना उसको <laughs> मैंने कहा ठीक है ऐसा कर सकते हैं बट नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट वेर

मैं जब, जब भी बाहर घूमने जाता हूँ चाहे मैं होटल अफोर्ड कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ पर मैं हमेशा हॉस्टल्स में रहना पसंद करता हूँ लोग अभी वो भी कभी भी कहते हैं कि क्या हो गया दो चौब दो तीन जॉब करके भी हॉस्टल में रह गए <laughs> 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 तो मुझे अच्छा लगता है मतलब मैं कई बार ऐसा हुआ है मैंने कैलिफोर्निया के एक्सपीरियंस में बताया कि यार कि मैं हॉस्टल में रहने जाता हूँ और उन्ही दोस्तों के साथ नए कल्चर्स एक्सप्लोर कर पाता हूँ उनके साथ इवेंट्स जा पाता हूँ

यू गेट स्पेस अवे फ्राम यूर फैमिली देखो होता है कि एड फैमिली इज इंपॉर्टेंट गर्ल फ्रेंड एवरी वन बट एट एंड जब आपको लगता है कि आप डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर रहे आपको लगता है कि यू कैन भी हैप्पी अलोन एज वेल ऐसा नहीं होता कि आपकी रिलेशनशिप है आपकी फैमिली है ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार विदाउट फैमिली यू आर नथिंग यू आर you are नो मतलब जब मैं सोलो ट्रिप करता हूँ तो मुझे फील होता है लाइक आई एम आई एम हैप्पी अलोन एज वेल आई एम हैपी विद समन एज वेल तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार हैप्पीनेस इज अ डिपेंडेंसी ऑन समवन क्योंकि आई हैव हैड लाइक फैमिली लॉसेस इन द बिगनिंग तो मुझे लगता नहीं कि मुझे डिपेंडेंसी और क्रिएट करनी चाहिए तो नहीं बट आई मीन फॉर यू इट मस्ट हैव 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 बीन थोड़ा डिफिकल्ट टू अराइव एट दैट आफ्टर व्हाट यू टोल्ड मी बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल फॉर दैट मैटर कि आप अपनी लाइफ में अपने करियर में अपनी फैमिली में अपने रिलेशनशिप्स में तब तक हंड्रेड परसेंट नहीं दे सकते हो तब तक आप उनको फ्रूटफुली एक्सपीरियंस uh, नहीं कर सकते हो जब तक आपने अपने आप को सेल्फ एक्चुलाइज नहीं करा है लाइक mm. like, मेरे साथ तो ऐसा होता था यार आई फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ माई डेटिंग लाइफ आई वॉज नेवर सिंगल फॉर मोर देन अ मंथ एंड फिर बेचे मैं लाइज हुआ कि वो डिपेंडेंसी है इट इज़ नॉट की वार रस्ती क्या लड़का ऑफकोर्स इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स मिल जाती हैं इट इज़ द रियलाइजेशन कि यार को डिपेंडेंसी है सामने वाले इंसान पर जब तक वो नहीं है तब तक आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड ऐसे एंगजाइटी रहती है कि क्या करना है कैसे नहीं करना एंड देन इट टुक मी अ गुड कपल ऑफ यर्स टू गेट ओवर दैट रियलाइजेशन कि हाँ ठीक है यार पहले अपने आप पर काम करो तुम्हारे क्या सोच है तुम्हारे को क्या पसंद है क्या नापसंद है अपने आपके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो देन यू कैन एक्चुअली इनफैक्ट बेनिफिट दी अर पर्सन इन योर लाइफ इज वेल और अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ इज वेल फैमिली हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है मैं बता दूँ बेस्ट चीज जर इंसान को करनी चाहिए अपनी लाइफ में आई नो नो यू हैव डन इट येट और नो टाइम अज्यूमिंग यू विल हैव जाके अकेले पिक्चर देख के आओ अकेले भरे रेस्टोरेंट में जाके लंच करके आओ या डिनर करके आओ क्योंकि जब

अकेले ही करना पड़ता है हाँ तो मैंने ये सब किया है हालांकि अकेले पिक्चर देखा वो मैंने कम देखा है मतलब I have done मेरे तो फेवरेट पास टाइम होता था यार कॉलेज में ना मेरे घर के पास एक थिएटर हुआ करता था एंड वो दिन में उस थिएटर का टिकट होता था 1200-1300 रुपए का मिडनाइट शो का उसका टिकट होता था, था का या मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस होता था वो तो बड़ी सर्दी में मैं कई बार गया हूं ऐसे अपने शॉल वॉल लेके चद्दर वद्दर ओढ़ के रिक्लाइनर थिएटर था वो पूरा तीन सौ रुपए का टिकट लो बीच में कहीं भी सीट लो और मस्त लेट के चद्दर डाल के प्रॉपर पिक्चर देखो तो वैसे बड़ा अच्छा सा लगता था कि हाँ ठीक है आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ सोलो टाइम सेल्फ केयर टाइम आजकल थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है वो बट पहले नहीं हुआ करता था पहले अकेले पिक्चर देखने आप आ रहे हो कि लंच पर जा रहे हो तो लोगों को लगता था कि क्या वियर आदमी है

गाड़ी वाले की आंखों में आंखें डाल के पूछना लो कि मैं कर सकता हूँ क्रॉस नाइस मैंने भी कोशिश करी थी लाइक like यूके में तो वहाँ पे वो साइकिल वाले स्टैंड होते हैं आप कार टैप करो साइकिल लो निकल जाओ वो किया था जब मैं दिल्ली आया तो मैं सोचा कि यार दिल्ली में भी कर ही सकते होंगे साइकिल लेता है साइकिल चलाता है आसपास तो मैं गया मैंने नई नई साइकिल खरीदी बढ़िया फायरफॉक्स से साइकिल खरीदी गेयर वाली हेलमेट वेलमेट सब लिया उसके बाद वो साइकिल मैंने पाँच बार से ज़्यादा की चलाई नहीं होगी बिकॉज डेली रोड्स आर नॉट फाइन फॉर राइडिंग अ बाइसिकल अगर आपको साइकिल चलानी है तो आपको साइकिल गाड़ी में डाल के कहीं दूर किसी पार्क में पहाड़ वहाड़ के पास लेके जानी पड़ेगी वहां आप चला सकते हो तो बड़ा दुख हुआ था मेरे को वो साइकिल को बेचते हुए पर इंडियन रोड्स में कहूंगा बाइकिंग के लिए फिर भी सेफ है देखो इंडिया में हर एक को आदत होती है अपनी छे, -छे आंखें खोली रखना। <laughs> में नहीं होती आपको पता है यूएस में अगर एक सिंगल लेन है बाइकिंग के लिए

एंड अक्रॉस यूरोप अक्रॉस UK, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है कि आपकी बसेस होंगी ट्रेन होंगी मेट्रो होगी यू एस में आई डों कल इज इट देखो न्यूयॉर्क में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ओनली थिंग वहां पार्किंग अब इन न्यूयॉर्क में तो चलो यार पार्किंग कार वहां पे कार पे जाना ही इज वर्स्ट थिंग यू कैन डू आप न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी पंद्रह बीस में भी बात करो यूएस पे बॉस्टन मैंने जितना देखा है कहीं पे मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद नहीं आई बॉस्टन का बहुत अच्छा लगा एंड hmm. uh, मुझे न्यूयॉर्क का अच्छा लगता और कहीं पे भी एल पे इज द तो वर्स्ट LA पे एक जगह जहां पे आप आधा घंटा में जा सकते हो वहाँ सी oh. हाँ, तो तो मतलब, अच्छी होती मतलब मतलब इतनी अच्छी नहीं होती कि कि यार कि आप राम से काम कर पा रहे हो झटके mm. तो, I mean, like नहीं रखा हुआ है ये मतलब डिजाइन ही ऐसी की गई थी कि लाइक like, कि मतलब एक्सपैंड होते गए लाइक like,

एक स्टेट हम पचास स्टेट से यूएस में हम एक स्टेट की बात करें <laughs> so, like, उनके फैमिली मेंबर्स मेंचास में से किसी भी एक स्टेट में हो सकते हैं एंड एंड दे वांट टू गो अफोर्डेबल वे इज लाइक दो मतलब ट्रेन तो ट्रेन सिस्टम तो इनका इतना अच्छा है नहीं आप देख रहे <laughs> हो ना ट्रेन सिस्टम अच्छा क्यों है बिकॉज यूके स्मॉल और एक्सेस इज एक्सिसन टाइम्स यूके उन्होंने एक यूएस की स्टेट जितना ट्रांसपोर्ट डिजाइन किया तो यहाँ पर इतनी बड़ी कंट्री का ट्रेन सिस्टम बनाना नहीं ट्रेन सिस्टम तो हमारे इंडिया में भी अच्छा है बड़ा तो इंडिया भी है इट इज़ जस्ट योर राइट की अबाउट आपको अमेरिकन सोच चेंज नहीं करनी है. आपको अगर गाड़ी से जाना है तो जाना है वहाँ पे लोग दिमाग नहीं लगाते हैं ज़्यादा क्रॉस कंट्री ड्राइव करने में वो बस कर लेते हैं यहाँ पे नहीं है मेरे को तो बड़ा डर लगता है यार ऐसे इतनी दूर गाड़ी चला के जाने का है तो वु प्रेफर गोइंग बाय अ ट्रेन और गोइंग बाय अ प्लेन उस गाड़ी में तो ऐसा थोड़ा रिस्क भी रहता है हाँ। यहाँ पे कल्चर है पिकअप ट्रक्स का जैसे कि आपको पता है मोस्ट मोस्ट कॉमन कार कौन सी है फोर्ड फोर्ड का ट्रक है ना हाँ मोस्ट <laughs> कॉमन कार ट्रक है। मतलब आप ऐसे <laughs> लोगों को गाड़ियों में सामान रख के हाइकिंग का सामान

अ uh, मतलब अराउंड ट्वेंटी परसेंट कम हो जाती है बिकॉज एक तो सैलरी कम होती है वहाँ पे और इनफैक्ट यूएसडी टू कैड की डिफरेंसेस के कारण और क्योंकि यूएसडी एस टी इज कंसिडर्ड लाइक इंटरनेशनल करेंसी तो वो थोड़ा सा आपकी डिग्रेड हो जाती है ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट तो अगर इफ यू वांट टू बी लाइक फाइनेंशियली द बेस्ट पॉसिबल पर्सन लाइक बट यू आना hmm. आसान नहीं है ना इतना मीन I यू mean, आना yeah. आसान है यू में रुकना थोड़ा मुश्किल है कैनेडा में wow. रुकना आसान है

ट्रैवलर फ्रेंड ऑफ माइंड वो टेलिंग मी कि आप इससे सस्ते में सिंगापुर जाके यू के यू वी, एस वीज़ा ले कर आ सकते हो मैंने कहा हाँ ठीक है ये भी ट्राई करा जा सकता है बढ़िया कॉन्टेंट बनेगा <laughs> बट नहीं यार मेरे को दो तीन वीज़ा लगवाने हैं यार लाइफ में ऐसे अभी इन द करंट नियर फ्यूचर एक तो मेरे यूके का वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो मेरे को यूके का वीज़ा लगवाना है कैनाडा का वीज़ा लगवाना है यू एस का वीज़ा लगवाना है तो इन तीनों की जद्दोजहद करनी है मेरे को इस साल

क्योंकि देखो ना जैसे कि यूएस में अगर कितने ज्यादा अगर अगर इमिग्रेंट्स है जो अनडॉक्यूमेंटेड है तो तो लाइक इमेजिन करो कि उसे आ, उस इमिग्रेंट को डॉक्यूमेंटेड बनना है हुँ। तो उसके लिए लाइक अगर अगर वो यूएस में ही रिन्यू करा लेगा तो यूएस में फेक बन सकता है ऐसे कई का, चीजें हो सकती हैं तो पकड़े नहीं जाते राइट पर अगर वो बाहर से वीजा लगवा के रीएंटर हो रहा है वो इमीडिएटली पकड़ा जाएगा कि अगर फेक यूएस में बैठे-बैठे पकरा नहीं जाता कोई <laughs> बाहर बैठे बाहर से आएगा तब पकड़ा जाएगा हाँ नाइस तो ये चीज होती है हम तो व्हाट वीजा आर यू ऑन करंटली आई एम ऑन स्टूडेंट वीजा वी आर ऑन स्टूडेंट वीजा वीजा का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता है

सो डिड यू हैव टू वर्क अ जॉब और वाज यूट्यूब सफिशिएंट इनफ कि हां ठीक है उस पे सस्टेन कर लेंगे मैं जब मैं स्टूडेंट था तो तो यूट्यूब डेफिनेटली इनफ नहीं था hmm. तो मतलब मैंने हुँ. हमेशा लाइक फुल टाइम जॉब का एम किया लाइक आई कैन आई कैन टेल यू यूएस का वीजा सिचुएशन ऐसे है कि फुल नो फुल टाइम जॉब मींस यू कैन नॉट स्टे इन द यूएस ओह हां तो दो महीने जॉब नहीं तो गुड बाय गुड बाय ओ भाई साहब बहुत ही इंटेंस है यार कि इतना इंटेंस वीजा सिचुएशन है कि आप पैसे दो महीने जॉब नहीं मिलेगा तो वापस आना पड़ जाएगा बट आई थिंक यू एसो फ्रॉम एन आउटसाइड पहुंच गए एक बार तो अपना जीवन बना सकते हो आई डोंट थिंक अदर कंट्रीज हैव दैट उतना अच्छा कि हाँ अगर हमारे यहाँ आओगे तो आपका जीवन बन जाएगा इवन दो दैट इज चेंजिंग नाउ बिकॉज यूरोप में लॉट ऑफ कंट्रीज आर नाउ गिविंग अ डिजिटल नोमैड वीजा अभी पढ़ रहा था मैं पॉर्चुगल का पढ़ रहा था कह रहे हैं अगर आपकी इनकम तीन चार हजार यूरो पर मंथ से ऊपर है तो आप आओ मस्त काम करो हमारे यहाँ हमें क्या दिक्कत है वैसे यूएस साइड नहीं है अभी ये प्रीटी फैसिनेटिंग जैसे आपने कहा ये तो है मतलब जैसे कि यूएस इज अ कंट्री जहां पर इतनी अपॉर्चुनिटी है कि लोग कहते भी है कि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू गेट यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर सो डू यू थिंक दैट इज ट्रू एब्सोल्युटली मतलब आपको mm. you mm. like बता सकता हूँ जैसे कि आप यूएस में चाहते हो कि यार यू वॉन्ट टू बी ए बिलियनियर राइट मिलियनियर यहाँ पे यूएस में रास्ता बना हुआ है लाइक इज लाइक मतलब हर एक के लिए रास्ता बना हुआ है हर प्रोफेशन के लिए रास्ता बना हुआ है Even, अगर आप आप उसमें में मिले बना हो वो पूरा घर फटाफट ऑटोमेट किया तो हुआ है uh, like, तो वो, वो person, like, -फट किया हर चीज मशीन रखी हुई है hmm. एक घंटे में पूरा घर साफ कर देते हैं और ज़िए उसके टू हंड्रेड डॉलर लेके चले गए मतलब आप सोच रहे मतलब की टू हंड्रेडर टू हंड्रेड डॉलर मिल रहा है about the US की, हाँ, अगर आपको कुछ करना है पाथ लेड आउट फॉर यू है हार्ड वर्क फॉलो देट पाथ एंड गेट वेर यू टू गेट नाइस ये मैंने और जगह नहीं देखा है, तो हमारे यहाँ भी नहीं है इतना

हाँ। है। तो इंडिया में भी होता है जैसे थर्ड ईयर में ज्यादा तो <laughs> तो देता था पढ़ाई बहुत कम नंबर जितने आगे चलेगा जॉब है और फेल भी हो गया तो भी मैंने जीपी इतनी बिल्डअप की हुई है कि मैं पास हो जाऊंगा ठीक है तो कोई टेंशन की बात थी नहीं मेरे लिए तो आई वॉज हैड ऑल द Uh, मैंने अपना करियर बना लिया था मुझे पता मिल है पर हाँ थोड़ा रिस्की था कोविड में जॉब जा सकती है पर हाँ मैंने इंटरव्यूज़ के बिगेस्ट घर hmm. like, oh, पे, दे सकता हूं. The, गर गर पे था, तो वही वही मेन रीजन था कि मेरा अगर चैनल बाकी लोगों तक तो पहुंच पाया जितने लोगों तक तो पहुंचा उस टाइम तो पर बिगेस्ट ग्रोथ आई गॉट

वट एवर क्लोज टू मिलियन पीपल दैट यू हैव यार हरनूर घूमता है पढ़ाई के बारे में बात करता है यू में रहने के बारे में बात करता है बिकॉज यो चैनल नेम लेटरलीएस्ट सिंग इन यू एस एज ए वेरी फैसिनेटिंग नेम बाय बड़ा अच्छा लगा था वो कि हाँ ठीक है इसका यू एस पी डिफाइंड है कि एक लॉन्डा पंजाबी लॉन्डा है और ये यू एस ए में रहता है सो गोइंग इन द फ्यूचर आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट यू वॉन्ट टू डू कॉन्टेंट

ऐसा नहीं है कि मुझे एक तरह का कॉन्टेंट बनाना ही पसंद है ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ ट्रैवल कॉन्टेंट ही पसंद है तो वो चेंज होता रहेगा और मैं ये भी नहीं चाहता कि इट शुड ऑलवेज बी अबाउट तो उसके लिए हाँ एक टाइम आएगा इट विल यूएसए हैज एन एंड मतलब लाइक like, लाइक like, ऐसा थोड़ी किट माई डॉट है इतना बड़ा है इसमें hmm. मतलब You, you know. us use 25 percent of world resources even though it's like five percent or wow. ten percent of world population less than 10 percent so u mm -hmm. us the us people of content but my content i think it will evolve uh, on travel and on teachings and uh, i think that's all i can say for now <laughs> do you have a team that you work with yeah a small team yeah, yeah okay, like what are uh, the team think, build up what kind of uh, rules do they have how do they help you sure i have uh, uh, some video editor some uh, people who do my subtitles and uh, and one person for thumbnails and research kili and nai research uh, and one person have thought about but like uh, आई थिंक लाइक कि मुझे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग खुद ही सारा कुछ पढ़ता हूँ मतलब हाँ, totally हाँ, वो, वो really तो जैसे की कोई टॉपिक पे अगर मुझे समझना हो हुँ. तो मैं मतलब एक, एक, एक खुद ही मतलब को ढूंढना खुद आर्टिकल्स पढ़ना रिसर्च पेपर्स पढ़ना हुँ. और बुक्स पढ़ना उसपे वो मैं खुद ही कर लेता अभी तो क्योंकि मैं रिसर्च बेस्ट कॉन्टेंट शायद एक महीने में एक या दो बनाता हूँ क्वालिटी इंश्योर करनी hmm. है ना तो मैं दूसरे इंसान की रिसर्च पर रिलाई नहीं कर सकता हूँ एंड दैट इज अ प्रॉब्लम कि यार मेरे को बेस्ट तो चीज़ hmm. अपने आप ही ढूंढनी है अपने आप समझनी है अपने आप बोलनी है बिकॉज आई हैव ट्राइड डूइंग इट इन द पास्ट एंड वो ना वीडियो में निकल के आ जाता है कि हाँ यार ये ही इज नॉट कन्विंस्ड अबाउट वॉट ही इज सेंग ऑन स्क्रीन वो रिसर्च की क्वालिटी में अगर कुछ लैकिंग होता है तो समझ में आ जाता है तो यू स्पेंड द द द टाइम इन फाइंडिंग राइट पीपल डू गुड काइंड ऑफ़ रिसर्च फॉर यू या फिर उसको फिर तुम खुद अपने आप ही करो या yeah, बहुत सिंपल एग्जांपल बता दो जैसे आपने बोला इमेजिन yeah. करो लाइक ए प्लस द होल स्क्स बी स्क्स टू ए बीथ राइट स्टेटमेंट बोल दी पर आप नहीं ये अभी इस कारण बोली बिकॉज आपने दे दे। आप खुद सॉल्व किया है खुद प्रैक्टिस किया आप, जब आप, खुद करते आप बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हो कह सकता हूँ पर जब किसी और सॉल्व करके आपको दे दिया जब आपसे पूछते हैं आर यू श्योर तो आप थोड़ा हिचक जाओगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता मैंने जो रियलाइज किया है वो यू आर राइट एज वेल बट वो करना तो पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू द कॉन्टेंट गेम वेरी सीरियसली वी हैव टू फिगर आउट अ वे कि हम किसी और पर रिलाई कर सकें लाइक like, मैंने रिलाय ना अभी थोड़ा रिसेंटली करना शुरू किया जब मैंने वीडियो एडिटर रखा है फॉर द पॉडकास्ट एंड द पॉडकास्ट क्लिप्स नहीं तो अजलीर आई यूज टू एडिट क्लिप्स ऑल्सो माई सेल्फ शॉर्ट्स ऑल्सो माई सेल्फ तो लाइज हुआ कि द बिगेस्ट एडवांटेज दैट यू कैन हैव एज अ क्रिएटर एज अ प्रजेंटर और हु हैज़ अ क्वालिटी कंट्रोल वाला माइंड सेट कि आप चीज़ें डेलीगेट करना शुरू कर दो वो डेलीगेट करने के बाद आपका टाइम फ्री हो जाता है देन यू कैन फोकस ऑन मोर स्टफ लाइक माई फ्लैट में जय उसने अपनी टीम बनाई हुई है जिसमें द पीपल दैट आर रिसर्चिंग द ब्रिंग आइडियाज टू हिम ठीक है ब्रिंग आइडियाज ब्रिंग रिसोर्सेज एंड देन हिज फाइनल सेज इन द क्वालिटी कंट्रोल की हाँ ठीक है ये आइडिया अच्छा है इस पर और रिसर्च करते हैं ये आइडिया बेकार है इसको डिस्कार्ड करते हैं सो दैट इज वन गुड वे दैट आई हैव सीन इन एक्शन जो काम कर सकता है तो so मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट करा जाए

हाँ बिकॉज आई मीन टू बी ऑनेस्ट यू आर गेटिंग अनदर पर्सन इन्वॉल्व तो आपको उनको सही से पे तो करना ही चाहिए वो वो टाइम मुझे लगता है नहीं कि तब तक, तक आएगा जब आप खुद ही मतलब क्योंकि देखो ना पैसे लालच तो खत्म होता है नहीं है लाइक यू आर थिंक यार लाइक like, कि वो वो फीलिंग आती है कि खुद के खर्चे बढ़ रहे हैं और कैसे आप मतलब लाइक यू कैन

कोदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो मतलब इमेजिन करो कि दस वीडियो आए दस 10 की दस फ्लॉप वही व्यूज डिग्रेड हो रहे हैं mm. जब आप 11वीं वीडियो बनाओगे जिस चेस्ट लेवल पे बनाओगे इट इज अनइमेजिनेबल ट्रू इफ योर अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर यस आई एग्री ट्रू बट इफ आई हैव अ फुल टाइम जॉब एंड लाइक

मुझे कोई ऐसा है नहीं है मैं जल्दी जल्दी पैसा कमा के दस बिलियन मतलब दस मिलियन डॉलर करनी है एंड फिर छोड़ देना ऐसा तो है नहीं बिकॉज आई एंजॉय ऑल ऑफ एंजॉयिस तो धीरे धीरे जब होगा होगा तो कहते जाते हैं दैट इज अ वेरी रेयर माइंडसेट सेट यार की जल्दी नहीं है किसी बात की करने में मजा आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करते हैं बिकॉज मोस्ट पीपल दैट आई मीट टू गेट थिंग पॉसिबल एट द द्विक स्पेस तो इट इज गुड टू सी दैट काफ़ माइंडट बट वट यू थिंकट इज लोगों को सब चीज़ें जल्दी 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 चाहिए होती हैं लाइक वॉट डिफरेंस ऑफ माइंड सेट डू यू सी इन योर सेल्फ वर्सेज ऑफ पीपल मैं एक्चुअली मैंने रीडिंग्स बहुत की आपको बताता हूँ इमेजिन करो एक सोलह साल का बच्चा है उसे अचानक से स्पाइडरमैन का रोल मिल जाता है मूवी के लिए hmm. वो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाता है एंड कुछ लोग इतना सक्सेस देख ही नहीं पाते जब बाद में फेलियर आता दे के नॉट टॉलरेट एंड दे बिकम गो बी गेटिंग राइट स्पाइडरमैन नहीं हो सकता सो आई थिंक ट्रू वे टू एंजॉय सक्सेस कि आप धीरे धीरे बढ़ो ऑब्वियसली अगर बड़ा जंप आ जाता है इट्स ओके बट आपका प्रोसेस सेम होना चाहिए आपका माइंड सेट हमेशा पढ़ा था career, family, health, health, वो पूरा रहे। तो वो मेरा गोल होता है कि यार मैं हर हफ्ते जिम जा पाऊ हर एक को टाइम दे पाऊँ वीडियो शायद दस पंद्रह की जगह एक दो हो जाए फर्क hmm. नहीं पड़ेगा

तो अगर पढ़ता भी हो तो तभी जैसे कि प्लेन्स में बैठा हूँ कुछ करने के लिए नहीं है जैसे तो इंडिया से यूएस की पंद्रह घंटे की फ्लाइट है कितना ही मूवीज देख लेगा बंदा ट्रू तो तब लगता है कि यार चलो रीड भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं तब तब मैंने थोड़ा ट्राई किया था पर उसके अलावा तो कभी रीड नहीं किया सिर्फ ट्रैवल के टाइम रीड करता हूँ वगैरह वगैरह

सो इट इज सच ए यूनिक रिलेटेबल परस्पेक्टिव फॉर अ लॉर्ड ऑफ इंडियन किड्स कि यार हम भी तो जाना चाहते हैं कि इंसान गया हुआ है तो देखते हैं ये है क्या बोल रहा है डू यू मीट किड्स दैट हैव कम टू द यू एस एर मैन एव योर बैक हेयर हु योर कॉन्टेंट एंड हाउ डू दे रिएक्ट टू मीटिंग यू और हाउ डू यू रिएक्ट टू मीटिंग दैम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आई ट्राई टू से अपने आप को इमेजिन कर पाता हूँ अभी अभी <laughs> nice. एक बड़ा भाई जिसे पता चले जिसे देख के हाँ यूएस में कैसे पढ़ाई स्टूडेंट गेट की हाँ ये हमारा कोई बड़ा भाई है जो बाहर गया हुआ है जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है जो हम करना चाहते हैं मे भी हम भी जाके कर पाएंगे कभी तो वही यही गोल रहता है माइंड में हमेशा और ये यही 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 जब मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ मुझे भी लगता है कि यार मैं अभी अभी चौबीस का नहीं हुआ चौबीस पच्चीस का नहीं हुआ अभी भी मैं अठारह का हूँ तो वो अच्छा लगता है कहाँ मिलते हैं लोग ज्यादा इंडिया में या फिर यूएस आरोनिकल ज्यादा मुझे, मुझे यूएस में मिलते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जाते हैं आप बताता हूँ जैसे कि जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ा था उस यूनिवर्सिटी में अराउंड हजार से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं अब शायद हैं तो जॉर्जिया टेक में चले जाओ वहां पे भी बहुत ज्यादा पाँच सौ भी ज्यादा है किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ज्यादा वहां पर मिलते हैं मुझे तो यूनिवर्सिटी ज्यादा मिलते हैं शहर इतना मैटर नहीं करता जहां पे इंडियन स्टूडेंट ज्यादा जिस यूनिवर्सिटी में चाहे शहर में ओवरऑल नहीं हो यूनिवर्सिटी में एंड एक्चुअली अगर यूनिवर्सिटी में आ रहे हो दे हैव सीन सम ऑफ योर कंटेंट कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा ही होता है hmm. बढ़िया यार ये नीच ये नीच पकड़ने का आइडिया कहाँ से आया कब लगा कि ठीक हाँ है चलो इस पर पहली वीडियो बनाते हैं ये आया मेरे बेस्ट फ्रेंड जो अमृतसर में मुझे मिला था तो हुआ ये कि वो कनाडा पढ़ने गया उसने मुझे एक एक ग्रुप बताया वहां पर ना क्वेश्चन आंसर है कि बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स बाहर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड उनके आंसर उनसे बात करना कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में कैसे पढ़ते कितनी स्कोर से, तेरा एक्सेप्टेंस हुआ मेरा भी हो जाएगा तेने ऐसे में क्या लिखा था ये वो चीजें डिस्कस हो रही थी मैंने कहा ये तो मुझे भी पता है <laughs> तो मैंने ये तो भी भी सोचा, ये तो मैंने भी किया। तो तो बहुत, बहुत। मतलब किसी को अंडर के लिए पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ने आना uh, नहीं बड़ी नहीं थी तब तो वो थोड़ा बहुत मैं उस नीच में थोड़ा बहुत घुस पाया पर उससे एक हजार सब्सक्राइबर्स भी मिले चाहे को दो महीने लग गए दो ढाई महीने लग गए एक हजार सब्सक्राइबर को पर मुझे एक बिगिनिंग मिल गई पर मैं मैं कांस्टेंट लगा रहा आपको यकीन नहीं होगा मेरा तब तब कहीं मैंने पता नहीं कौन सी मोटिवेशनल स्पीच में सुना था संदीप महेश्वरी हाँ शायद <laughs> उनसे कि एम फॉर द स्टार्स टू रीच द स्काई राइट तो मैं हर रोज अपने कॉलेज के बाद चाहे दो बज जाते थे तो मैं लाइब्रेरी में जा कर सोचता था कि मुझे एक वीडियो बनाकर ही दिन खत्म करना और वो पब्लिश करके खत्म करना है। nice. तो वो ऐसी शायद आग क्रिएट हाँ मतलब हो तो गई कोई रास्ता है तो यूट्यूब क्योंकि यही चीज मुझे अच्छे से मजा आ रहा है और किसी nice. में आ नहीं रहा तो और कुछ कर भी नहीं खा सकते यार यूएस में लीगल इश्यूज बड़े होते हैं क्या कर लूंगा बंदा दो जॉब तो कर नहीं सकते ट्वेंटी आवर्स के अलावा तो इसके अलावा ऑप्शन यही थी जब पता चल गया कि यही रास्ता है तो रोज वीडियोस बनाएंगे कुछ चली कुछ नहीं चली पर रोज 30 डेज के लिए 30 वीडियोस कोई भी टॉपिक पे बनाना वो मुझे उससे एक ग्रुप पता चल गया अच्छा ये वीडियोस चल रही हैं ओह हाँ है, ओ, है आ, तो फिर वो और बनाई तो बस लाइक इन रेजोनेट विद दैट एक्सपीरियंस बिकॉज़ मार्च ऑफ 2020 जब था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था करने को तो मैंने सोचा कि कुछ करो ना करो इंडिया टाइम पाँच बजे से पहले सुबह उठो वीडियो बनाओ अपलोड करो और उसके बाद बाकी के दिन में सोचो क्या करना है आई कैन रेजनेट विद दैट वो फीलिंग होती है यार एंड दैट इज अ कॉमन फीलिंग दैट दट सीन अमंग्स ऑल ऑफ दी अदर दट इंटरेक्टेड विद कि वो तो होता है कि यार कुछ नहीं है कि यूट्यूब चल रहा है इसमें मजा आ रहा है तो उसी पर फोकस करते हैं नीच पकड़ लिया है ऑडियंस समझ आ गई है तो उसी पर फोकस करते हैं बट आई एम ग्लैड यू ऑल्सो हैव दैट फीलिंग कि हाँ ठीक है थोड़ा इवॉल्व भी करना है थोड़ा ग्रो आउट भी करना है

मतलब वेयर यू लिव हैथ होता है नाइट लाइफ कुछ कॉलेज लाइफ के बियॉन्ड बहुत होता है मतलब इन टर्म्स ऑफ नाइट लाइफ देखो नाइट लाइफ बहुत लोग अच्छा, अपने तरीके से डिफाइन करते हैं नाइट लाइफ मींस गर्ल्स नाइट लाइफ मींस कि आपको पार्टी वगैरह करनी है आपको आ, और नाइट लाइफ आल्सो मींस कि आपको लाइट्स देखनी है नाइट लाइफ आल्सो मींस कि आपको आपको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट देखना है वो यूएस में नहीं है तो <laughs>

Uh, मतलब कोई भी मतलब नए दोस्तों के साथ नए एक्सपीरियंसेस बनाना वो मुझे बहुत मेमोरेबल hmm. कोई कोई भी नया बंदा है उसके साथ उसके साथ पहली बार चीज तो यार इतना इतना आसान नहीं होता यार ये फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू मीट न्यू पीपल एंड कोई इंसान करना चाहे तो कैसे करेगा uh, इसके लिए मतलब आप

नाइस नाइस गुड 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 हैक कॉलेज में दोस्तों का मैंने इवेंट ढूंढा जिसमें फ्री खाना चलता है नाइस तो बस वहां पे वो पहुंच जाएगा और मतलब लाइक यू आर प्रेटी मच ऑल सेट टू लाइक एक एक्सपीरियंस हाथ में हो गया आप और एक्सपीरियंस से जो भी चाहते हो कर सकते हो फिर एक बार एक बार एक बार आप एक दोस्त को एक एक्सपीरियंस के लिए ला पाए तो यू कैन ब्रिंक फॉर मोर राइट तो एक बार इजी हो जाता

तो जब आपको एक ही वर्ल्ड दिखे ना आपको लगता है दिस इज नॉर्मल एंड यही मुझे झेलना जे, जे, पड़ेगा बट व्हेन यू सी डिफरेंट वर्ल्ड्स तो आपको थोड़ा सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिल जाता है कि यार दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कुछ अच्छा होता है कि कोचिंग के बारे में बिकॉज़ मैंने कोचिंग के बारे में सिर्फ बुराई ही सुनी है आज तक कोचिंग के बारे में अच्छा क्या बहुत अच्छा भी होता है जैसे कि आपको अ मिलते हैं, मिलते हैं। आपको दोनों नेटवर्किंग भी बात ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि ये दोस्त बेटर है वो बेटर है नहीं। वो वो नहीं है पर मुझे लगता है कि जो अच्छी बात ये है उनकी कि वो जो आपको पढ़ाते हैं वो कम टाइम में ज्यादा पढ़ा पाते हैं जो स्कूल वाले आराम से करवाते हैं जैसे कि जय की पढ़ाई है वो somehow आपको जैसे कि एक दिन एक दिन चार घंटे का लेसन हो जय एडवांस जो मोस्ट वर्ल्ड एग्जाम है आपको करवा देंगे आपको इस तरीके से रिवाइज करेंगे आपको लगेगा दो साल का सिलेबस चार घंटे में हो गया सो दैट देर वेरी वेरी गुड गुड इन दैटॉर्टेंटुकेशन बट स्कूल में मैंने देखा है वो चीज पांच दिन तक भी स्ट्रेच होती है दे आर लाइक तो वैसे होनी चाहिए जहां पर इंसान रिलेक्स होकर पढ़ रहा हो दो साल का सिलेबस चार घंटे में करना तो बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है थोड़ा दोनों चीजें सीखने को जरूर मिलता है एक काम करने के दोनों तरीके हैं तो वो वो सबसे बड़ी चीज़ पता है मेरा तो मन है यार मैं कभी ऐसे कोचिंग वोचिंग में गया नहीं हूँ मैंने तो आई थिंक ट्यूशन भी एलेवंथ या ट्वेल्थ में लगाए तो वो भी इसलिए बिकॉज सारे दोस्त ट्यूशन जा रहे थे तो मैं ऐसे घर पे पर पढ़ रहे के क्या करता तो हमने दो ट्यूशन लगा लिए मैथ्स और अकाउंट्स के मेरा मन है एक बार जाके ऐसे कोचिंग लाइफ एक्सपीरियंस करने का बिकॉज हमेशा मैंने वाई के जिस एक्सपीरियंसे ही सुना है कि नहीं यार कोचिंग में कॉम्पिटन हो रहा है टेस्ट हो रहे हैं हर हफ्ते एग्जाम्स होते हैं बाकी जितना एक्सपीरियंस है वो कोटा फैक्ट्री जो शो है उससे ही है

तो वापस आने का मन है और यूनिफॉर्म उनके पास थी तो यूनिफॉर्म पहन के आ गए और टीचर्स डे वाले सेलिब्रेशन दिन में क्लासेस तो होती नहीं थी तो यूनिफॉर्म में बेचारे दिखे भी नहीं तो उन्होंने मस्त मज़दा इन्जॉय किया और आज भी मतलब वो ट्वेल्थ क्लास में नहीं आए थे एलवेंथ क्लास के उसमें आए थे एंड में उनको बेचारों को पकड़ा गया कि यार तुम स्कूल में नहीं हो टीचरों ने देखा कि यार इसने स्कूल छोड़ दिया था ये वापस यूनिफॉर्म में कैसे है तो उन्होंने भी फंक्शन एंड होने तक का वेट किया फिर उसके बाद उनको थोड़ा डांट वाट फिर निकाल दिया तो आई थिंक उसका एक टाइम विंडो होता है कि आप यूनिफॉर्म पहन के वापस चले जाओ एक दो साल होता है वो स्कूल छोड़ने के बाद उसके बाद नहीं हो पाता है अब तो जाएगा तो थोड़ा ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है ये बच्चे ही हैं उनसे <laughs> तो थोड़ा तो उम्र हो गई है ज्यादा वो तो होता है

स्कूल हाँ। के बाउंड्री है जितने लोग आपको स्कूल में मिलते हैं जो टीचर्स होते हैं उस तक लिमिटेड होती है बियॉन्ड उसके तो नहीं होती ट्रू मतलब जैसे कि अभी तो मूवीज का इन्फ्लुएंस आ गया तो थोड़ा बहुत बच्चों को पता होता है लोग कमेंट्स करते हैं कि अमेरिकन हाई स्कूल इज सेम एज सेक्स एजुकेशन जो हमने मतलब नहीं, नहीं नहीं वैसे तो, वैसे तो नहीं होता है <laughs> तो <वोगी laughs> यार बहुत है यार लोगों का ऐसे ये बाहर की कंट्रीज से ना एंड दैट इज़ वॉट आई फाइंड ऑल्सो मोस्ट फैसिनेटिंग बाहर लगे लोगों को लगता है कि बाहर तो सब एकदम बिल्कुल लिबरेटेड हैं सब अपनी सेक्शुअलिटी को एक्सप्लोर कर चुके हैं और बस इंसान वहाँ पर जाके कुछ नहीं कर रहा है बस जैसा सेक्स एजुकेशन में दिखाया था वैसे ही स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं विच इज़ फार फ्राम ट्रू बट ऐसे बाहर मतलब जैसे बच्चियों को सोचने में तो अच्छा लगता है फिर मतलब अच्छा लगना नहीं चाहिए इतना कुछ खुशी की बात है नहीं

तो ये वर्ड्स को बैन कर दो हाँ यार ये ओ इट्स गुड पॉइंट दैट अप बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ दिस वोक स्टफ़ हैपनिंग स्पेशली इन द यूएस एंड कनाडा तो हाउ डज डज दैट इंपैक्ट यू इन योर एक्चुअल डे टू डे लाइफ या फिर वो बस इंटरनेट का हुआ है मतलब खुद भी अब मैं कम कर यूज करता हूँ मतलब अब बचपन से मतलब जब वाईफाई राउटर सेट करना होता था कि हाँ ये, ये ब्लैक मतलब तो मैंने नई नई चीजें सीखी थी अपने राउटर के साथ तब से मेरे माइंड में ये तो अच्छे वर्ड्स की तरह ही है मतलब कि नॉर्मल यूज कर सकते हैं बट अब थोड़ा स्विच करना पड़ा जैसे कि आपको बताता हूँ जैसे हम बोलते थे कि एक जेंडर को हम सिर्फ हिज और हर के साथ समझते थे सेंटेंस भी होता था कि माई पेन वॉज स्टोलन बाय हिम और हर

Like, दे, दे मैं। दे मैं। ठीक है तो वो बस थोड़ा देखा मैं अड़ गया थी? क्योंकि वो, वो अब सेट चेंज करना पड़ता है मैं घबरा मतलब घबराता तो नहीं हूँ मतलब मैं सोच समझ के दस सेकेंड लेता हूँ ब्रेक अब ऐसे बोलना है तो मतलब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली यू मेक मिस्टेक्स क्योंकि नई चीज है हमारे लिए पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है बट पूरे तो वर्ल्ड तक पूरे वर्ल्ड तक अभी ये माइंडसेट पहुंच नहीं पाया आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम विद द यूएस एंड मतलब दैट इज अ बिग बिगर प्रॉब्लम इन यूएस एंड कनाडा देन इट इज़ इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इसके क्रिटिक्स भी काफ़ी है मतलब इंडिया में तो ये चीज़ अभी नहीं हो पाई आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू शान पराशर अभी शान के साथ भी मैं एक कॉन्वर्जेशन कर रहा था उसके बाद भी कंक्लूजन ये निकला था कि यार ये यूएस कनाडा में ही हो सकता है बिकॉज वहां पे प्रॉब्लम्स इतनी है नहीं वहाँ पे प्रॉब्लम्स इतनी कम है लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से पैसे uh, कमाने के पर्सपेक्टिव से एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से कि इंसान प्रॉब्लम्स खुश हो रहा है नहीं प्रॉब्लम्स खोजते खोजते उन्हें मिस मिसजेंडर वाली प्रॉब्लम मिली है जो विच वैलिड प्रॉब्लम इन माई ओपिनियन ठीक है अगर किसी को बुरा लग रहा है किसी की आइडेंटिटी को फर्क पड़ रहा है तो उसको सॉल्व करो तुम बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम इतनी है ही नहीं इधर एटलीस्ट हमारे साइड क्योंकि हमारे पास और हजारों लाखों प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम पहुँच सकते हैं सिमिलरली इज द केस विद मेंटल हेल्थ यार इंडिया में अभी थोड़ा शुरू हुआ है होना

हालांकि आप डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खरीद सकते पर होता यह है कि डॉक्टर्स के पास ना कुछ कंपनीज आती हैं जैसे कि हम हमारी हमारी वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो आपको पैसे देंगे हम ओ एंड दैट इज अलाउड लीगल हां हां ये तो अलाउड है मतलब डॉक्टर खुद चूज करेगा ना देखो डॉक्टर अपनी उसके चक्कर में बताता हूं मेरे साथ ही भी हुआ था एक डॉक्टर ने मुझे ओपियोइड्स रेकमेंड करनी थी I love how yeah. you, like, एक बार एक डॉक्टर ने मेरे को बोला कि यार ले ले हाँ, क्योंकि उनका उस कंपनी से कोई होगा हुँ. तो मैंने फिर डॉक्टर चेंज किया मैंने मैं ये तो नहीं हो हो एक्चुअली मुझे मुझे देखो कभी-कभी जब मैं कॉलेज में था तो मुझे था, तो, तो 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 पर, था तो 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 थोड़ा सा स्ट्रेस डिसऑर्डर गया अब उन्होंने वो है वो बाकी दुनिया से बिल्कुल ही उल्टा चलता है बाकी दुनिया में डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यहाँ पे कंपनी डॉक्टर को बता रही है कि हमारी दवाई दो वहाँ पे बाकी पूरी दुनिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रही है इन्फ्रास्ट्रक्चर फोकस कर रही है यूएस में गाड़ियाँ चल रही हैं

उनके इनिशियल दो तीन महीने के टेम्पर में बहुत फर्क था वहाँ पे कि वो लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कैसे वो बात कर रहे हैं कैसे उनका इंटाइटलमेंट है कैसे उनका पर्सपेक्टिव टूअर्स द वर्ल्ड है वो ऑब्वियसली दो एक दो साल वहाँ रहने के बाद चेंज हुआ है बट जब वो आए थे तब बिल्कुल अलग था बिकॉज वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने के लिए मेरे लिए तो एज एन ऑब्जर्वर मेरे को बड़ा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें देखने में टोटली और हमारा इंडिया बिल्कुल कम नहीं है मैं बताता हूँ इंडिया से इतने ज्यादा जो बजाज के स्कूटर साउथ अमेरिका पूरा ऑलमोस्ट जितने भी कहीं भी कि, और कितनी ज्यादा कंट्रीज साउथ अमेरिका की इंडिया के बजाज के स्कूटर yeah. आपको दिखते हैं यहाँ पे यूएस में दिखते हैं यहाँ पे बजाज का शोरूम है अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे इंडिया के स्कूटर बजाज की मतलब हमारे घर में मतलब हमारे घर में कोई भी आता था अगर कोई रिपेयर वाला बजाज से आता था तो लाइक इट्स रियली फैसिनेटिंग की यहाँ पे दिख रहा है मुझे मेरा ना कैमरे की बैटरी खत्म होने वाली है सो आई थिंक वी लो रेडीट आई एम रेडी आई एम रेडी टू थोड़ी नींद भी आ रही दिस आई 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 टू टू जस्ट मेक वन लास्ट फाइनल पॉइंट व्हिच डू वांट हैव योर ओपिनियन ऑन इज व्हेन यू लेफ्ट आई थिंक इट वाज स्टिल द के एस के आर बाहर जाओगे तो आप अच्छी एक लाइफ बना सकते हो इंडिया में मे बी इट्स नॉट दैट पॉसिबल टू बिल्ड अ गुड लाइफ बट पिछले एटलीस्ट स्पेसिफिकली ओवर द लास्ट टू इयर्स सिंस आई हैव कम बैक क्योंकि मैं भी इसी ओपिनियन से गया था बाहर यहाँ से क्या यार आप इंडिया में अच्छी लाइफ अपने लिए नहीं बना सकते आपको बाहर जाके ही मेहनत करनी पड़ेगी काम करना पड़ेगा बट इन द लास्ट कपल ऑफ व्यूजर आई हैव बीन हेयर आई हैव सीन अ वेरी प्रोमिनेंट चेंज क्या आप इंडिया में भी काम करके अच्छे पैसे कमा के देश का भी उद्धार कर, कर सकते हो और अपना भी उद्धार कर सकते हो वट यू थिंक ऑफ दैट हैव यू सीन दैट फ्रॉम एन आउटसाइडर परस्पेक्टिव हु इज़ नॉट लिविंग इन इंडिया करेंटली

दे दे नोट नीड टू लीव एनी मोर कि अगर हाँ यार कि करोड़ कमाना है औ, और इवन दू टैक्स ब्रैकेट इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है पर हाँ लाइक उन्नीस बीस का सिमिलर है लाइक करोड़ों में इंडिया में जो आप यूएस में पहले कहा जाता था कि वो करोड़ों में पैकेज सिर्फ यूएस में ही मिल सकता वो yeah. है वो so इं

बहुत भी इसको निकालते है हैं हम एक दो हफ्ते में निकालता हूँ मैं सेंड द लिंक टू यू यून बाई पुटिंग दिस आउट एंड थैंक यू फॉर एंग द टाइम यार आई नो कि वहाँ पे अभी अब तो डेढ़ दो बजने वाले होंगे बट थैंक यू तो इस पॉइंट पे आई थिंक आई एम गोइंग टू